हेलो गाइस, फैक्ट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में। मारुति ने पेश की ये दमदार जीप, फुल पावर के साथ चढ़ेगी खड़े पहाड़ पर भी। मारुति सुजुकी जिम्नी 5-डोर SUV के लिए कंपनी की आधिकारिक नेक्सा वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और देश भर में अपने नेक्सा डीलरशिप पर ऑफलाइन बुकिंग भी स्वीकार कर रही है। इसे 11,000 रुपये की टोकन राशि देकर बुक किया जा सकता है। मारुति सुजुकी ने खुलासा किया कि जिम्नी 5-डोर SUV ने 2 दिनों के भीतर 3,000 से ज़्यादा कंफर्म बुकिंग हासिल कर ली है। ये सबसे ज़्यादा मांग वाले मॉडलों में से एक रहा है और भारतीय बाज़ार में ये महिंद्रा थार जैसी कारों को टक्कर देने का दावा करती है। महिंद्रा ने हाल ही में थार का रियर व्हील ड्राइव वर्जन लॉन्च किया है जो ज़्यादा किफ़ायती भी है। इस SUV को लैडर फ्रेम चेसिस, अच्छी खासी बॉडी एंगल्स, 3-लिंक रिजिड एक्सल सस्पेंशन और लो रेंज ट्रांसफर गियर के साथ ऑल ग्रिप प्रो 4-व्हील ड्राइव पर बनाया गया है। यह SUV हर तरह के इलाकों में आसानी और फुर्ती से दौड़ सकती है। लुक और डिज़ाइन की बात करें तो मारुति जिम्नी के दोनों वर्जन दिखने में एक जैसे हैं और एक बॉक्सी प्रोफाइल के साथ आते हैं। इनमें राउंड हेडलाइट यूनिट्स, वर्टिकल स्लेट ग्रिल और बड़े फेंडर मिलते हैं जो इसे काफ़ी दमदार और बीहड़ रूप देते हैं। जिम्नी 5-डोर SUV 7 कलर ऑप्शन, 5 मोनोटोन शेड और 2 डुअल टोन ऑप्शन में उपलब्ध होंगी। इस SUV के इंजन की बात करें तो इसमें K सीरीज 1.5 लीटर इंजन मिलता है जिसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है। ये इंजन 6000 RPM पर 277.1 kW पावर जनरेट करता है और 4000 RPM पर 134.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 5-स्पीड मैनुअल के साथ साथ 4-स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऑप्शन में भी अवेलेबल है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसके कैबिन में HD डिस्प्ले और वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 9-इंच स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इन्फोटमेंट सिस्टम मिलता है। साथ ही कैबिन में अरकामिस के सराउंड सेंस के जरिए प्रीमियम साउंड एक्टोस्टिक ट्यूनिंग भी मिलती है। यदि आप ऐसी सड़कों पर जाने की योजना बना रहे हैं जिनमें कम यात्राएं होती हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस SUV में ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग दिए गए हैं और ब्रेकिंग के लिए इसमें यूज़ किया गया है LSD यानी लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, हील होल्ड असिस्ट के साथ ISP और हील डिसेंट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा और IDB के साथ ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जिम्नी की डिलीवरी के लिए लगभग 3 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इसकी वेटिंग कहां तक पहुंची है। मारुति सुजुकी पर पहले से ही और मॉडलों का डिलीवरी का भार है जिसमें नई अपडेटेड ब्रीजा, आर्टिगा और हाल ही में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी प्रमुख कारें हैं जिनका वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा है और ग्राहकों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऐसे में नए मॉडल के बाज़ार में आने के बाद वेटिंग पीरियड और भी बढ़ सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना गाइज। आने वाले नए अपडेट्स और उनकी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।